इस वीडियो में हम बात करेंगे दस्करी द्यूस के बारे में। फर्स्ट तारुफ मीन्स इंट्रोडक्शन। दस्करी द्यूस का ताल्लुक रोम से था और वो सिलिका के करीब ट्रार्सिस नाम की जगह पर पैदा हुए थे। वो 6th century AD के तबीब थे जो सिंगल ड्रग पर तहकीक किया करते थे और उनकी एक बहुत ही ख़ास किताब थी जिसका नाम था किताबुल हशाइस। दस्करी द्यूस बहसत तबीब मीन्स एज अ फिजिशियन। अपने काबिलियत की बिना पर वो शहनशाह रोम एब्रेटस के खास तबीब भी बन गए थे और वो फौजी लश्कर के साथ जंगी मुहिम पर तबीब के हैसियत से भी जाया करते थे। दस्करी द्यूस बहसत मुहक्किक। मुहक्किक का मतलब होता है एज अ रिसर्चर। वो हर्बल एनिमल एंड मिनरल ड्रग्स के बारे में जानते थे और जो और उनको इल्मुल अदविया का फाउंडर भी कहा जाता था। उन्होंने अफीम के एक्सट्रैक्ट से खांसी को ठीक करने का तरीका भी ईजाद कर लिया था। दस्करी द्यूस बहसत मुसन्निफ एज अ राइटर। वो पहाड़ों जंगलों वगैरह में जो भी जड़ी बूटियों के बारे में तहकीक व तस्दीक करते थे उनको एक किताब में लिखते रहते थे और जिन जड़ी बूटियों से वो अदविया हासिल होती थी उनकी तस्वीर भी उस किताब में बनाते थे और ये किताब उनसे बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुई जिसका नाम है किताबुल हशाइश। किताब अल हशाइश। इस किताब में अदविया से मुतालिक तमाम मालूमात दर्ज है। आराम के टाइम में दस्करी द्यूस पहाड़ों और जंगलों पर जाया करते थे जहां पर वो पेड़ पौधों मिनरल्स एंड जानवरों पर तहकीक किया करते थे। अगर उनसे अदविया हासिल होती थी तो फिर उस अदविया के आफाल वक्वास इस किताब में लिख दिया करते थे और वो किस चीज़ से हासिल होती थी इसके बारे में भी बताया करते थे और उन पेड़ पौधों की वो तस्वीर भी बनाया करते थे। ये किताब 1st century ईस्वी की है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।